दोस्तों, नर्सरी में आप लोग आते हैं कई बार, तो आप देखते हैं कि नर्सरी में बहुत सारे फूल खिला रहता है। अचानक से इतना फूल कैसे आ गया? तो हम लोग क्या करते दोस्तों, जैसे अभी बारिश आने का है तो हम लोग पहले से तैयारी करते हैं, उसको छोटा छोटा पौधा लगा कर रखते हैं, उसमें दवाई खाद डालते हैं तो जाके बारिश में और बारिश में तैयार करते हैं, ठंडी में तैयार करते हैं तो गर्मी में बिकता है और बहुत बढ़िया तरीके से। तो सब चीज़ को पहले से तैयारी करना पड़ता है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों अभी सावन आने का है, तो सावन में बेल पत्ता कितना महत्वपूर्ण रहता है और उसमें बेल पत्ता शंकर भगवान को बहुत ही प्रिय है, उसके साथ भी शमी का पौधा, तो दो चीज़ के बारे में बताऊंगा। और बेल पत्ता जितना जरूरत रहता है सावन में, उतना ही उसमें कीड़ा भी लगता है, तो उसका बारे में बताऊंगा, ताकि अभी से ही उसमें दवाई और उसका देख रेख करेंगे, खाद डालेंगे तो पत्ता खाना होगा, तो सावन का महीना में आपको बहुत सारा पत्ता मिलेगा, क्योंकि जो खास पौधा रहता है उसमें कीड़े मकोड़े बहुत लगते हैं, तो उसको देख रेख जरूरी है दोस्तों। कई जानते हैं बेल पत्ता और स्वामी के बारे में, तो उसमें कौन सा दवाई डालना है और कौन सा खाद डालना है वो सब चीज़ बताऊंगा। जैसे आप खरीद के ले जा रहे हैं तो इस समय भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इस समय बेल का पौधा बहुत बढ़िया धूप होता है, तो बहुत बढ़िया लगाने का भी मौसम अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि धूप में इसका फल भी आता है, इसी समय इसका फल भी आता है और इसी समय इसका पौधा भी बढ़ता है, तो गर्मी का दिन में भी आप लगा सकते हैं। लगाने के अभी इतना बड़ा पौधा खरीद के ले जाए तो मैं बता रहा हूँ किस टाइप का लगाए। जैसे सूख जाता है, कई गमला में पौधा सूख जाता है, तो आप क्या कीजिए, उसी मिट्टी को आप पलट दीजिए, ऐसे पलट के, और क्या कीजिए, जो इसमें सुराग है, जो छेदा है, इसके नीचे पत्थर डाल दीजिए। उसके बाद में इसमें कुछ डालना नहीं है खास, इसमें रासायनिक खाद वगैरह, इसमें क्या कीजिए, गोबर खाद ज़्यादा मात्रा में डाल दीजिए, थोड़ा 3-4 मुट्ठा गोबर खाद डाल दीजिए, क्योंकि अभी रासायनिक खाद डालेंगे तो नया पौधा है ख़राब हो जाएगा, लगाते समय ऐसे भी नहीं डालना चाहिए, और इसको खूब मिला दीजिए ऐसे करके। इसमें भूसा भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, कोकोपीट भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें खाली आप गोबर खाद मिला दीजिए, नहीं तो कंपोस्ट खाद मिला दीजिए, दोनों एक ही रहता है, जो आपके पास अवेलेबल है वो डाल दीजिए ऐसे करके दोस्तों। इसको बाद इसको झिल्ली फाड़ दीजिए और इसको लगा दीजिए ऐसे करके। लगा दीजिए गमला में, थोड़ा सा मिट्टी कम रखिए और इसमें पानी डाल दीजिए। ऐसे करके डाल दीजिए। इसको अभी 2 दिन छाया में रखना है, 2 दिन के बाद में आप इसको पूरा धूप में रखिए, 2 टाइम पानी डालिए, एकदम जल्दी जल्दी पौधा तैयार होगा। और इसमें दवाई डालना है बता देता हूँ कौन सी दवाई। जैसे कि ये शमी का पौधा भी है, ये भी बहुत प्रिय है, तो 12 महीना इसका पत्ता मिलता ही है और चढ़ता भी है शंकर भगवान में, और बहुत भी इसमें भी सफ़ेद कीड़े लगते हैं, तो कभी भी आप दवाई डाले दोस्तों, ये वाला एडमायर का ला लीजिएगा, एडमायर दवाई ला लीजिए। एडमायर ला के आप एक बार स्प्रे इसमें भी कीजिए एक बार, इसमें 1 लीटर पानी में इसमें दाना टाइप का रहता है चावल जैसा, 10 दाना डाल दीजिए, या चुटकी भर एक चुटकी लेके इसको स्प्रे कीजिए। इसके साथ में आप चाहे तो मनोधन या सोनाटा 1 लीटर पानी में उसको भी 7-8 बूंद डाल दीजिए, इसको भी 1 चुटकी डाल के दोनों मिला के अभी से ही डालेंगे हफ्ते हफ्ते करके, तो क्या है पौधा मजबूत रहेगा, बारिश आएगा तो कीड़ा नहीं लगेगा, इसका भी पौधा ख़राब नहीं होगा, तो ऐसे करके आप पौधा को तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो एकदम जब कीड़ा लग जाएगा इसमें दोस्तों, इतना बड़ा बड़ा कम से कम 1-1 इंची का बड़ा बड़ा सब भूसा कीड़ा लगता है और पूरा पौधे को खा जाता है और पूरा पत्ते को खा जाएगा, तो उस समय पत्ता नहीं मिलेगा तो आप शंकर भगवान को कैसे पूजा करेंगे, कैसे चाहेंगे पत्ता को। तो इसीलिए आप इतना बड़ा भी पौधा खरीद के ले जाएंगे तो अभी 2 से 3 महीने में ये पौधा बढ़ जाएगा, आपके पास पहले से है उसमें अभी से दवाई डालना शुरू कर दीजिए, और थोड़ा सा बारिश शुरू होगा तो थोड़ा थोड़ा DAP डालना शुरू कर देंगे फिर चम्मच, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और कभी भी आप लगाने का जो तरीका बताया हूँ, 12 नंबर गमला में इसको लगा दीजिए, ज़मीन में है तो कोई बात नहीं है। अब इसको जल्दी बढ़ाना है दोस्तों, तो नीचे का पत्ता आप काटते रहिए ऐसे करके नीचे का पत्ता तोड़ते रहिए ऐसे, तो ये पौधा क्या है जल्दी से तैयार होगा और ये हल्का रहेगा तो बढ़ेगा। देखिए दोस्तों कितना खाली दिख रहा है, तो ऐसे करके इसको भी काट दीजिए ऐसे, तो ये पौधा बढ़ेगा, ऊपर जा घना होगा तो ऊपर से आप डंगाल काट सकते हैं तो बढ़िया हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो आपका पौधा अच्छा रहेगा। शमी को भी ऐसे लगाना है दोस्तों, कोई अलग इसका खास नहीं है, कटिंग भी इसको भी नीचे से काटते रहिए ऐसे करके। और ये जो है ये इधर उधर डंगाल फैलता है दोस्तों, तो इसको आप साइड से ऐसे काट दीजिए, ये काटने से पौधा घना हो जाएगा, घना होगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा और पौधा भी बढ़िया रहेगा, तो ऐसे करके इसको लगा सकते हैं दोस्तों। देखिए हम
बेल का पौधा लगाए थे 2 साल पहले लगाए थे, और इसमें हर हफ्ते दवाई डालता हूँ ताकि इसमें कीड़ा ना लगे। इसका मीठा पत्ता बहुत मीठा रहता है, मतलब इसका मीठा इसका पत्ता को कीड़ा लोग बहुत पसंद करता है, इसीलिए इसमें दवाई डालना जरूरी रहता है। गता पूरा खा जाएगा और ये बेल पत्ता आपको कोई काम का नहीं रहेगा। तो ऐसे करके आप लगा सकते हैं दोस्तों। और जड़ में जो है 2 साल का पौधा हो गया, उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा इसमें जड़ में खोद के थोड़ा सा इतना नीचे गहराई करके और थोड़ा सा गोबर खाद कभी डाल दिए 15 दिन में, कभी DAP डाल दीजिए, तो उससे क्या होगा पौधा मजबूत रहेगा और ज़्यादा मात्रा में इसमें पत्ता निकलेंगे, आगे चल के फल भी आएगा। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों पौधा लगाने के लिए पहले तैयारी करना पड़ेगा, कौन सा दवाई कौन सा खाद में बराबर बताता हूँ, कौन सा गमले में, मेरे वीडियो में कुछ ना कुछ नया मिलता है। ऐसे करेंगे तो आपका पौधा पूरा फ्रेश रहेगा। एकदम से कीड़ा लगने के बाद इलाज करेंगे तो इलाज करते करते तब तक समय खत्म हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए आप पहले से तैयारी कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नया वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।